हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जीएसटी रेट की टीरियल फाइल टैली के अंदर कैसे ऐड करेंगे और उसका यूज़ क्या है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको इस वीडियो के नीचे आपको रेड रंग का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और मेरा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लेटेस्ट वीडियोस या नोटिफिकेशंस चाहिए हो टैली की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं इस फाइल को ऐड करना तो सबसे लास्ट में बताऊँगा कि कैसे आप टैली के अंदर टीरियल फाइल को ऐड करें, क्योंकि ये मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ कि आप टीरियल फाइल कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका यूज़ क्या है। तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये आप किस वाउचर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सेल्स या परचेज वाउचर, दोनों के अंदर आप इस फाइल का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका मोस्टली यूज़ किन लोगों को है ये मैं आप सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं। जो लोग अपने बिजनेस में सिर्फ एक ही जीएसटी रेट का आइटम डील कर रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब सिर्फ 18% का डील कर रहे हैं, उन्हें इस फाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उन्हें ये फाइल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग मल्टीपल लेजर्स यानी कि मल्टीपल जीएसटी रेट्स के आइटम डील तो कर रहे हैं, लेकिन वे मल्टीपल लेजर्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं टैली के अंदर। सिंगल लेजर यानी कॉमन लेजर लेके चल रहे हैं, जैसे कि सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉमन लेजर क्रिएट किया हुआ है टैली के अंदर, या सेल या परचेज का भी कॉमन लेजर क्रिएट किया हुआ है, यानी कि परचेज और सेल सिर्फ दिखाया हो, उसके ऊपर जीएसटी रेट्स वगैरह डिफाइन नहीं किया है, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट मेंशन नहीं किया, उन्हें भी इस फाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये फाइल मोस्टली यूज़ उन लोगों के लिए है जो लोग अलग अलग जीएसटी रेट्स के आइटम डील कर रहे हैं अपने बिजनेस में और उन्होंने टैली के अंदर भी मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करके रखे हैं। सीजीएसटी के अलग अलग जीएसटी रेट्स के लेजर्स क्रिएट किए हैं, एसजीएसटी के या परचेज या सेल के अलग अलग जीएसटी रेट्स के लेजर्स क्रिएट किए हैं, उन्हें इस फाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइल है, इस फाइल से आपको सिर्फ एक हेल्प मिलेगी, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ। इस फाइल से आपको वाउचर के अंदर कुछ मेंशन नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक फाइल और भी है जो कि नेट पर अवेलेबल है, उसमें जो लोग ये फाइल अवेलेबल करवा रहे हैं या प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लोग इसकी चार्ज ले रहे हैं 700 से 800 रुपये करके ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो मैं आपको फाइल दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सेम वैसे ही वर्क करेगी, और फ्रेंड्स इससे ही आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको उस फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि अगर आप एक वाउचर के अंदर, चाहे वो सेल का हो या परचेज का हो, उसमें अलग अलग जीएसटी रेट्स के आइटम की एंट्रीज पास करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, F12 में जाना होता है। F12 में जाने के बाद यानी कॉन्फिगर में जाने के बाद आपको यहाँ पर यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन, इसे आपको नो करना होता है। इसे आप नो करेंगे तो आप एक ही वाउचर के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट्स के आइटम्स की एंट्री पास कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये फाइल उन दोनों लोगों के लिए जो एक ही इनवॉइस के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट्स के आइटम्स की एंट्री पास करना चाहते हैं, एक तो उनके लिए, और जो अलग अलग वाउचर्स के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट की एंट्री पास करना चाहते हैं उनके लिए भी। लेकिन ये फाइल का मोस्टली यूज़ उन्हें ही है जो मल्टीपल लेजर्स यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग जीएसटी रेट्स के आइटम डील कर रहे हैं, उनके लिए इस फाइल का मोस्टली यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले सबसे पहले सन्डे डेटर सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्स वाउचर के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जीएसटी रेट या एचएसएन कोड तभी दिखाई देगा जब आप अपना जब वो आइटम क्रिएट कर रहे होंगे, तो उस समय आपने अगर जीएसटी रेट या एचएसएन कोड उसमें डिफाइन किया होगा तभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको उसका जीएसटी रेट या एचएसएन कोड मेंशन नहीं होगा ये फाइल ऐड करने के बाद भी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप जब अपना आइटम क्रिएट करें तो वहाँ पर आप एचएसएन कोड और उसका जीएसटी रेट मेंशन कर दें आइटम क्रिएट करते वक्त, ठीक है। अभी आप देखिए, जैसे कि मैंने ये आइटम सेलेक्ट किया बिपकॉप, ठीक है, तो आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको जीएसटी रेट दिखाई दिया कि आपने इसके अंदर क्या डाला था, 28% मैंने डाला था। उसके बाद आपको उसका एचएसएन कोड दिखाई दिया और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो पहले ही से दिखाई देता था और ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि मैंने परचेज की एंट्री पास नहीं की है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ आइटम में आपको नॉट फाउंड दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने ना एचएसएन कोड डाला है ना जीएसटी रेट डाला है, इसीलिए नॉट फाउंड। अगर मैं कोई भी एक डालता तो वो दिखाई देता, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं देखिए फ्रेंड्स, यही प्रॉब्लम थी, ये आपको जब फाइल आप ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दिया कि ये कौन सा जीएसटी रेट का आइटम है। अगर मान लीजिए अगर अभी आप 1000 तरह के आइटम्स डील कर रहे हैं, ठीक है, और आप एक ही इनवॉइस के अंदर 20 किस्म के आइटम्स ले रहे हैं अलग अलग जीएसटी रेट के एंट्री पास करने के लिए, तो आपको याद रखना पड़ता था कि किस आइटम के अंदर कौन सा जीएसटी रेट है, क्योंकि इसके बाद आपको एक विंडो ओपन होगी, जैसे मैं ये एंट्री एक्सेप्ट करूँगा आगे, उसके बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि ये किस जीएसटी रेट की है। तो फ्रेंड्स उस टाइम आपको सोचना पड़ता था कि ये किस जीएसटी रेट के आइटम है। अगर अभी आपको यहाँ पर ये एक हिंट मिल गई
ये एक तरह की हिंट है फ्रेंड्स, जब आप लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम जाएंगे आपको एक तरह की हिंट मिल गई कि 28% का है। अब यहाँ पर आपके लिए ईजी हो जाएगा उसे सेलेक्ट करना, क्योंकि अब आपको याद आ गया कि ये किस जीएसटी रेट का आइटम है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर 10 पीस जो भी है क्वांटिटी डाल दी, उसके बाद मैंने यहाँ पर उसका अमाउंट जो भी है डाल दिया। डालने के बाद मैंने यहाँ पर ये विंडो ओपन होगी फ्रेंड्स। जब आप एक वाउचर के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट्स के आइटम डील करेंगे और आप F12 में जाके वो जो यूज्ड कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन उसे नो करेंगे तो आपकी इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसमें अब आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि आपने मल्टीपल लेजर्स लेके रखे हैं। सिंगल लेजर लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कॉमन लेजर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने मल्टीपल लेजर लिए हैं तो इस तरह की विंडो ओपन होगी लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट की। ठीक है, मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट था क्योंकि मैंने 2-3 बार एंट्री पास किया तो वो टैली फिर सेट हो जाता है, उसके बाद आपको बार बार सेलेक्ट नहीं करता। जिस आइटम को, जिस स्टॉक आइटम को आप लेके एंट्री पास कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके लिए आपको बार बार सेलेक्ट नहीं करना होता क्योंकि टैली ट्रैक कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब अगर मान लीजिए आपने न्यू आइटम किया है तो उस समय आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से जो भी आपने अपने लेजर्स क्रिएट किए, मल्टीपल लेजर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैंने इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट इस तरीके के लेजर्स क्रिएट किए हैं, वो भी अलग अलग जीएसटी रेट के। तो ये मेरा 28% का, क्योंकि अभी आपको दिखाई दिया जब स्टॉक आइटम मैंने सेलेक्ट किया था, और ये सेल है और इंट्रा स्टेट यानी कि अपने ही स्टेट की है, क्योंकि मेरा लोकल सेल हो रही है अपने ही स्टेट में हो रही है, तो मैंने वो इंट्रा स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 28% सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई और आइटम ले लेता हूँ। जैसे देखिए ये 18% वाला आइटम है, ठीक है, यहाँ पर अब आ गया कि 18% का है। अब मैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 20 ले लेता हूँ और यहाँ पर जो भी इसका रेट है वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए किया क्योंकि ये भी मैंने आइटम सेलेक्ट करके एंट्री ऑलरेडी पास कर चुका हूँ मैं पहले। ठीक है, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट किया, अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री पास करें उस आइटम के लिए तो आपसे इस तरीके से पूछेगा लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा 18%। तो फ्रेंड्स अब आपके लिए कितना ईजी हो गया ये फाइल ऐड करने के बाद, कि आपको अब याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि किस आइटम के अंदर कौन सा जीएसटी रेट है, आपको वहाँ दिखाई दे देता है, हिंट आ जाती है, तो अब आप उसके बाद ईजिली वे में उसे एंट्री पास कर सकते हैं फ्रेंड्स। सिर्फ आपको इसमें, इस फाइल में आपको कुछ, क्योंकि मैंने अभी पीछे भी बताया आपको कि एक ऐसी फाइल भी आ रही है जिसमें आपको वाउचर के अंदर HSN कोड और GST रेट दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, वो फाइल मेरे पास फिलहाल नहीं है क्योंकि वो नेट पर चार्ज लेके दी जा रही है और ये फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर आप अपनी इस वीडियो देखने के बाद अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे और इस फाइल के लिए डिमांड करेंगे, या और भी मैंने जो वीडियोस बताई उन फाइल के लिए डिमांड करेंगे, तो वो फाइल मैं आपकी मेल आईडी पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसी लिंक दूं जिससे कि आप ये फाइल डायरेक्टली डाउनलोड कर लें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस वीडियो के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम CGST SGST अलग अलग GST रेट्स की देख सकते हैं। आप मैंने 14% 18.9% इस तरीके से बना रखी है और आप देख सकते हैं उसके ऊपर ही कैलकुलेट होगा, आप देखिए। और मैं अगर एल्ट और ए प्रेस करूं टैक्स एनालिसिस के लिए तो आपको यहां पर दिखाई भी देगा F1 फॉर डिटेल्स कि किसके ऊपर क्या टैक्स कैलकुलेट हो रही है। तो फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए जैसे कि आप ये फाइल नहीं यूज़ कर रहे होते तो आपके पास एक ऑप्शन था कि या तो आप अपने माइंड में याद रखिए, या आपके पास एक और ऑप्शन हुआ करता था कि आप वाउचर के अंदर रहते हुए जो ये आइटम है उसके ऊपर जैसे हाईलाइट है, तो यहाँ पर अगर आप कंट्रोल और इंटर प्रेस कीजिएगा तो आप इस आइटम के अंदर चले जाइएगा और आप यहाँ पर इसके अंदर जाके इस तरीके से आप देख सकते थे कि कौन सा जीएसटी रेट मैंने इसमें डाला हुआ है जो मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आपके पास सिर्फ ये दो ऑप्शन रहते थे कि एक तो आप अपने माइंड में याद रखिए और इस तरीके से आप बार बार अंदर जाके देखिए अगर आपको याद नहीं है तो। लेकिन ये फाइल ऐड करने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि आपको एक हिंट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। एल्ट भी प्रेस किया विथ प्रीव्यू करते हुए, वाई प्रेस करते हुए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर HSN कोड और GST रेट दोनों आ रही हैं, क्योंकि मैं ये मैंने जब प्रिंट करता हूँ मैं तो मैंने F12 यानी कॉन्फिगर में ये ऑप्शन एक्टिवेट रखा है कि मेरे इनवॉइस के अंदर ये दोनों ऑप्शन दिखाई दें। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, LTP कॉन्फिगर में जाके आपको ये कैसे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में F12 कॉन्फिगर में जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट GST रेट HSN और SAC डिटेल, यहाँ पर आप यस कर देंगे तो ये आपके इनवॉइस के अंदर दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस फाइल का यूज़ कर सकते हो। और एक फ्रेंड्स मैं बात बता दूं कि अगर आपको HSN कोड की फाइल चाहिए हो जो कि आपको वाउचर के अंदर दिखाई दे, GST रेट की तो मेरे पास नहीं है, वो फाइल मैं अलग से प्रोवाइड करूँगा ताकि वो यहाँ वाउचर के अंदर आपको HSN कोड दिखाई दे। ठीक है फ्रेंड्स, वो फाइल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और मैंने कई लोगों को वो फाइल उनकी मेल आईडी पे प्रोवाइड भी कराई। अगर आपको वो फाइल भी चाहिए हो
अगर आप चाहते हैं कि आप वाउचर के अंदर HSN कोड भी देख पाएँ तो वो फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास GST रेट की वो फाइल नहीं है जो आपको वाउचर के अंदर दिखाई दे। हाँ, आपको वो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में दिखाई देने के लिए ये फाइल है, इसमें आपको HSN कोड भी दिखाई देगा। अगर आप सिर्फ यही फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा दूँ एक और बात कि फ्रेंड्स, एक मैं छोटी सी ट्रिक दिखा रहा हूँ आपको। आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं कंट्रोल और एन से, गेटवे ऑफ टैली पर जब आप आते हैं तो टैली के अंदर कंट्रोल और एन से कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। आप इस तरीके से आ गए, अगर यहाँ पर आपको अगर बैलेंस देखना है, क्लोजिंग बैलेंस देखना है किसी पार्टी या कैश या कैपिटल कुछ किसी का भी, तो आप यहाँ पर जैसे अभी मैंने वहाँ पर लवली करके चुना था ना, लवली ट्रेडिंग करके, अभी देखिए मैं इस तरीके से एंटर करूँगा, आप देख सकते हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स। तो एक ये सिंपल सी ट्रिक थी, इसके लिए कोई TTL फाइल की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपको ट्रिक है कि आप यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रिक के थ्रू अपना कैलकुलेटर में उसका नाम टाइप कर लीजिएगा, उसके बाद इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको उसकी क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि इस फाइल को ऐड कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ टैली पर हूँ मैं, सीरीज़ ए रिलीज 6.1, और इस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा या कंट्रोल एल्ट और टी प्रेस कर सकता हूँ, दोनों में से मैं कोई भी काम करूँ। और उसके बाद मैं मैनेज TTL में जाऊंगा, यहाँ पर इसे यस करने के बाद मैंने इस तरीके की सारी फाइल ऐड करके रखी है। ये फाइल है मेरी जो सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रही है, ये लानी कैसे यहाँ पर, ये मैं दिखा दूँगा आपको। ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है, जो TTL फाइल मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इस तरीके का विंडो ओपन होगा जो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन लेनी है कि ये फाइल कहाँ पर है, आपको यहाँ से कॉपी करना है ड्रैग करके। कॉपी करने के बाद अब आपको आना है टैली में वापस से। यहाँ पर आने के बाद मैं एक बार नीचे में फिर से करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल एल्ट और वी प्रेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। हो गया फ्रेंड्स इस तरीके से पेस्ट। उसके बाद आपको स्लैश देना है, ये सब काम आप मैनुअल भी कर सकते हैं लेकिन कॉपी करने से ज़्यादा बेटर रहता है, सही से हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से इसे भी कॉपी करना है, इसका नेम को। ठीक है, नेम कॉपी करने के बाद आपको वापस से टैली में आना है और यहाँ पर आपको फिर कंट्रोल एल्ट और वी प्रेस करना है और इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना। अभी मैं एक्सेप्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट करके रखी है। एक्सेप्ट मैं जैसे करूँगा ये TTL फाइल मेरी ऐड हो जाएगी। मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसे मेरा 7 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये फाइल ऐड है, और नहीं यहाँ पर कोई एरर विरर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये परफेक्टली ऐड हो चुकी है। और आपको नीचे में भी दिखाई देगा 7 of 7 TTL फाइल लोडेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।